गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। खाना क्या मिला तुमको? अभी खाना खाना क्या मिला? कुछ खाने के लिए मिला? कुछ नहीं मिला है। बोलो बोलो, कुछ खाने के लिए मिला? कल क्या मिला था? कल उधर छोड़ो ना, हमको हमसे बात करो। कल क्या मिला था? कल क्या मिला था? कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, ये बच्चे बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाल हालत को बयान कर रहे हैं। ये नज़ारा भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत का है, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 48 की हालत कुछ ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप एक बार फिर से सुनिए, जब सोशल एक्टिविस्ट महावीर तिवारी खुद जायजा लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 48 में पहुँचे तो बच्चों ने उनसे क्या कहा? बोलो, कुछ खाने के लिए मिला? कल क्या मिला था? कल उधर छोड़ो ना, हमको हमसे बात करो। कल क्या मिला था? कल क्या मिला था? कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। तो सुन लिया आपने, बच्चे साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें खाने मतलब की पोषाहार के तौर पर कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार लाख दावे करती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड का ये आंगनवाड़ी केंद्र अच्छे से बयान कर रहा है। ये नज़ारा जिले के कोई एक आंगनवाड़ी केंद्र का नहीं है, बल्कि भागलपुर में तकरीबन हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर यही स्थिति है। पढ़ाई से लेकर के पोषाहार तक का हाल बिल्कुल चौपट हो रखा है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बिहार सरकार की खामियों को उजागर करती है। भागलपुर का ये आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा है कि कभी यहाँ न तो क्लास में बच्चे पहुँचते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो महज चंद की तादाद में। अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना पसंद करेंगे। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।